दोस्तों, अगर आप प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बलेनो जैसी शानदार गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं तो सम टाइम वेट, कुछ टाइम रुक जाइए, क्योंकि बलेनो के ही सेगमेंट में एक ऐसी शानदार गाड़ी अपने फेसलिफ्ट वर्जन के साथ में आने वाली है जो सीधे सीधे बलेनो और एल्टोज को टक्कर देने वाली है। और वैसे भी भारतीय मार्केट में बलेनो का मुकाबला हुंडई i20 से होता है और अब कंपनी इसे एक नए अवतार में लाने की तैयारी में है। और i20 फेसलिफ्ट को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और i20 फेसलिफ्ट में आपको मिलने वाले हैं करंट वर्जन से ज़्यादा शानदार बोल्ड स्टाइलिश लुक, एडवांस फीचर, साथ ही इंटीरियर में शानदार अपग्रेड भी। और इस कार में भी एक्स्टर की तरह अब डैश कैम की फैसिलिटी मिलने वाली है जो सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर अवेलेबल होगी। तो एक शानदार फीचर्स तो यही होने वाला है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ, 360 व्यू डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स भी इस शानदार गाड़ी में शामिल होंगे। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं अब ये बलेनो को कम्पीट करने वाली है। और i20 में वायरलेस चार्जर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ में है कंफर्ट के लिए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल के शानदार फीचर्स, वायरलेस चार्जर और एम्बेंट लाइटिंग जैसे फीचर्स जहां पहले से ही मिल रहे हैं। और सेफ्टी के लिहाज से हुंडई i20 में 6 एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ESC जैसे फीचर्स मिलते हैं। और इंडियन मार्केट में बलेनो का मुकाबला i20 और एल्ट्रोज जैसी गाड़ियों से है और इसका ये नया फेसलिफ्ट काफ़ी शानदार होने वाला है जो कि सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान टीज किया गया है। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अपडेट की गई है हुंडई i20 फेसलिफ्ट में अपडेटेड ग्रिल, LED हेडलाइट यूनिट्स होगा, वहीं कार के साइड और रियर प्रोफाइल का डिज़ाइन आउटगोइंग मॉडल जैसा रहने वाला है। हालांकि कंपनी टेलगेट के डिज़ाइन में भी बदलाव करने वाली है। इसके बाद एलॉय व्हील्स के भी डिज़ाइन में छोटे अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। और i20 फेसलिफ्ट में कंपनी कई तरह के नए फीचर्स लाने वाली है। बात करेंगे पावर की तो कंपनी दो पावर ट्रेन में पेशकश करेगी जिसमें 83 BHP पावर, 114 Nm का टॉर्क देने वाला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 120 BHP पावर, 172 Nm का टॉर्क देने वाला 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और इसमें 5 स्पीड मैनुअल या 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स का ऑप्शंस मिलता है। और फेसलिफ्ट वर्जन में भी कंपनी ने इंजन का इस्तेमाल करने वाली है। इसके अलावा हुंडई i20 के अगर आप बात करें प्राइस के बारे में तो करंट जनरेशन की कीमत 7.46 लाख रुपये से 11.88 लाख रुपये के बीच में है। और बात करें इसके मेनली कंपटीटर के प्राइस की यानी बलेनो और एल्ट्रोज जैसी गाड़ियों के अगर यहां पर प्राइस की और प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की तीनों पॉपुलर गाड़ियों के बेस वेरिएंट के आधार पर करते हैं अगर इनका प्राइस कंपैरिजन तो हुंडई i20 ईरा वेरिएंट आता है 6.99 लाख में एक्स शोरूम, जो आपको ऑन रोड पड़ता है 7.93 लाख में। नेक्स्ट है मारुति बलेनो जिसका फर्स्ट वेरिएंट सिग्मा मिलता है 6.61 लाख में और जो ऑन रोड आपको पड़ता है 7.50 लाख में। इसके अलावा टाटा एल्ट्रोज फर्स्ट वेरिएंट XE 6.60 लाख में जो ऑन रोड पड़ता है 7.49 लाख में। तो प्राइस वाइज अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये हैं तीनों प्रीमियम हैचबैक के प्राइस। बाकी आप कंफर्ट, फीचर और सेफ्टी बेस पर अपने लिए फाइनली सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी गाड़ी आपके रिक्वायरमेंट पर फिट होने वाली है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स होते हैं जैसे कि आफ्टर परचेज मेंटेनेंस है जिस पर भी आप अवश्य फोकस करिए। तो इन सारे पॉइंट्स बेस पर आप अपने लिए फाइनली सेलेक्ट कर पाएंगे एक बेस्ट चॉइस। बेशक आप किसी भी ब्रांड को पसंद करते हैं तो सेफ्टी, कंफर्ट, फीचर्स, इसके अलावा आफ्टर परचेज मेंटेनेंस, सभी कुछ देखते हुए सेलेक्ट कीजिए अपने लिए बेस्ट गाड़ियाँ। और अगर आप चैनल से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। और अगर आप हाल फिलहाल में भी यूज़ कर रहे हैं किसी ब्रांड्स की गाड़ी और उसके बारे में अपने लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस चैनल पर आकर सभी सब्सक्राइबर के साथ लाइवली शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फटाफट से मैसेज कीजिए, पर्सनली आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपके पास विजिट किया जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन
सभी सब्सक्राइबर के बेनिफिट के लिए शेयर की जाएगी। तो दोस्तों अब आप भी चैनल के साथ मिलकर बना सकते हैं एक्टिव कम्युनिटी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और आज का हुंडई i20 का रिव्यू कैसा लगा कमेंट्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नमस्कार दोस्तों।